गीत गाने दो मुझे, गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को, चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे। हाथ जो पाथेय थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे, कंठ रुकता जा रहा है आ रहा है काल देखो। भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर, देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय ना पाकर। बुझ गई है लौ प्रथा की जल उठो फिर सींचने को। कविता का नाम है गीत गाने दो मुझे और कवि हैं निराला जी। निराला जी इस कविता के माध्यम से ये निवेदन करते हैं और कहते हैं कि मुझे गीत गाने दिया जाए, और ये किस वजह से कहते हैं ये हमें कविता पढ़कर ही पता चलेगा। गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को, अब कवि यहाँ पर इन दो पंक्तियों में बता रहे हैं कि वो गीत गाना चाहते हैं किस लिए, अपनी वेदनाओं को रोकने को। कौन सी वेदना? सभी ने निराला जी का जीवन परिचय पढ़ा है और निराला जी के विषय में सभी जानते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने जीवन भर आर्थिक संकट तो झेला ही है, उससे भी ऊपर उन्होंने पारिवारिक संकट और परेशानियां जैसी झेली हैं कि एक के बाद एक उन्होंने परिवार का प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन से खो दिया, और जब आखिर में उन्होंने अपनी पुत्री को खोया तो वो अंदर से इतना निराश हो गए, उनके अंतर्मन को उसने इतना झकझोर दिया कि उनके जीवन में जीने की कोई आशा नहीं रह गई, कोई वजह नहीं रह गई, और ये सभी वेदनाएं जो हैं उन्हें अब पीड़ा पहुंचा रही थी। तो कवि अपनी इन वेदनाओं से मुक्त होना चाहता है, इन परेशानियों से आज़ाद होना चाहता है, और इसी के लिए उन वेदनाओं से आज़ाद होने के लिए वो गीत गाना चाहता है। तो कवि कहते हैं कि गीत गाने दो मुझे वेदना को रोकने को, मुझे गीत गाने दो अपनी वेदनाओं को समाप्त करने के लिए। चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे, जीवन भर राह में चलते चलते उन्होंने जितने भी चोट खाए हैं उस चोट को खाकर उनके होश उड़ गए हैं। एक आम उदाहरण है कि जिस प्रकार से आप राह में चल रहे हो, आपके पैर में कुछ किसी भी पत्थर से टक्कर हो जाती है, आपके पैर में चोट लग जाती है, बहुत दर्द होता है, वैसे ही इसको उदाहरण बनाते हुए कवि ने ये समझाने का प्रयास किया है कि वैसे ही एक राह के समान ये जो जीवन है जो इतना लंबा दिखाई दे रहा है और उसको जीते हुए उन्होंने राह में जितनी भी चोटें खाई हैं वो चोटें इतनी गहरी हैं कि उनके होश के भी होश छूट गए हैं। वो होश में नहीं है, उस चोट को खाकर इतने बेतहाशा हैं वो, इतना ज़्यादा वेदना में डूब गए हैं ऐसी परिस्थितियों का सामना करके कि अब उनके पास वो होश में नहीं रह गए हैं कि उन वेदनाओं का सामना कर सके या उन वेदनाओं को और भी ज़्यादा सह सके, उस वेदना को पीड़ा को सह सकें। तो चोट खाकर राह चलते हुए जीवन में उन्होंने जितनी भी चोटें खाई हैं, राह चलते हुए यानी जीवन जीते हुए, और चोट खाते हुए यानी कि जीवन में आने वाली प्रत्येक परिस्थितियों का सामना करते हुए, वेदनाओं को सहते हुए, पीड़ाओं को सहते हुए जो उन्हें मिली हैं उनके होश छूट गए हैं। हाथ जो पाथेय थे, पाथेय यानी सहारा थे, हाथ जिस प्रकार से व्यक्ति मेहनत करता है, मेहनत करने के लिए उसके हाथ जो हैं उसका सबसे बड़ा सहारा होते हैं। लेकिन ये एक उदाहरण यहाँ पर कवि ने इस तरीके से देने का प्रयास किया है कि जिस तरीके से पहले जमींदार वर्ग हुआ करता था और मेहनत करने वाले जो किसान थे अपने हाथ ही उनके जो सहारा हुआ करते थे, उन हाथों से ही जो वो इतनी कड़ी मेहनत करते थे, वो उस सहारे को भी जिस तरीके से वो जमींदार वर्ग ठग ठाकुर जो थे ठग लिया करते थे उन्हें, वो उसी समान उनका जीवन हो गया है कि वो हाथ जो उनके सहारा बने हुए थे यानी कि उनके जीवन में जब उन्होंने कठिन परिस्थितियों का सामना किया और प्रत्येक वो व्यक्ति जो उनका सहारा बन सकता था, संसार ने समाज ने उससे उनसे उनको दूर कर दिया। यानी कि जब भी वो उदास थे ऐसी परिस्थितियों का सामना किया कि अकेले सह पाना और या उसका सामना कर पाना मुश्किल था, और ऐसे वक्त पर जब उनका कोई सहारा बनने आता तो समाज ने ऐसी कड़वी बातें करके उनको भी उनसे दूर कर दिया और जीवन में वे अकेले रह गए। तो हाथ जो पाथे थे, हाथ यानी जो
मुश्किल समय में जो उनका हाथ बनकर और सबसे बड़ा सहारा बनकर आए थे, उसको भी ठग ठाकुरों ने रात लूटे, उसको भी उन जमींदार वर्गों की तरह समाज ने अपनी नकारात्मक बातों से मुझसे दूर कर दिया और मैं जीवन में अकेला रह गया। कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल, देखो। ऐसी कोई भी चीज जिससे व्यक्ति भयभीत हो, और भयभीत होने पर किस तरीके से उसका कंठ जो है रुक जाता है, वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं रह जाता या सांस लेना मुश्किल हो जाता है, घबराहट भर जाती है, वैसे ही कवि के साथ हुआ उनके जीवन में, जब उन्होंने कड़ी से कड़ी परिस्थितियों का सामना किया और वो भी अकेले रहकर, और जो कोई भी उनका सहारा बना उसको भी समाज ने उनसे दूर कर दिया। तो ऐसा ही जब उनको लगता है कि इतनी ज़्यादा परिस्थितियाँ खराब होती जा रही हैं, जीवन में ऐसा समय आ गया है, ऐसा लगता है अब उनकी मृत्यु हो जाएगी, और उस डर से मृत्यु को आता देखकर उस डर से ऐसा लगता है उनका कंठ जो है वो रुकता जा रहा है, उनको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है और वो मृत्यु के करीब आते जा रहे हैं। तो कंठ यानी गला रुकता जा रहा है, यानी सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, जय क्योंकि ऐसा उन्हें लगता है कि आ रहा है काल, देखो। काल यानी समय, लेकिन काल का दूसरा अर्थ भी है मृत्यु, यानी मृत्यु को देखते हुए। और मृत्यु आने का आभास कवि को क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके जीवन में इतनी परेशानियां आ चुकी हैं, पारिवारिक और आर्थिक संकट उन्होंने इतने झेले हैं, इतने बुरे स्तर पर झेले हैं कि अब उन्हें जीवन जीने में कोई रस नहीं रह गया है, या किसी भी तरीके की आशा नहीं रह गई है, या किसी भी तरीके की सकारात्मकता नहीं रह गई है, जीवन जीने की कोई वजह नहीं रह गई है, और इसलिए वो अपने आप को मृत्यु के करीब समझते हैं। भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर, यह संसार भी जो है अब ऐसा लगता है हार चुका है। यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति में ऐसा लगता है कि इस भर गया है जहर से, यानी प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे का दुश्मन बना बैठा हुआ है, भाईचारा देखने को भी नहीं मिलता। इसी के लिए कह रहे हैं भर गया है जहर से यह संसार, यह संसार जो है इसमें बसने वाला प्रत्येक प्राणी जो है एक दूसरे के प्रति अपने मन में जहर रखता है, भाईचारे का कोई भाव ही नहीं रह गया है, और इसी से यह संसार जो है वो हारा हुआ सा महसूस हो रहा है। उसी तरीके से जिस तरीके से कवि अपने जीवन से निराश है, हार चुका है, क्यों? क्योंकि परिवार में कोई रह नहीं गया जो उनका सहारा बन सके और जीवन को जीने का जो सकारात्मक राह है या वजह है वो बन सके, जीवन को एक बेहतरीन तरीके से खुशी के साथ जी सकने की जो एक विचार व्यक्ति मन में लेकर चलता है, जिससे जीवन जीना आसान हो जाता है और खुशियों से भरा हुआ लगता है, वो राह दिखाने वाला भी परिवार में कोई नहीं रह गया, और इस परिस्थिति का सामना करते हुए, इन बुरी परिस्थितियों का सामना करते हुए कवि जो है वो हार गया है, उसी तरीके से जैसे संसार हार गया है, क्योंकि संसार का प्रत्येक प्राणी जो है एक दूसरे के प्रति अपने मन में जहर रखने लगा है। देखते हैं लोग लोगों को, संसार में बसने वाला प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को इस तरह से देख रहा है जैसे कोई किसी को पहचानता ही नहीं है। भाईचारा इस संसार से, इस धरती से समाप्त हो गया है। बुझ गई है लौ, लौ यानी रोशनी, रोशनी जो कि सकारात्मकता का परिचय है, भाईचारे का परिचय देता है और साथ चलने का संकेत देता है। तो कवि कह रहे हैं कि सही परिचय ना पाकर, देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय ना पाकर, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को भय की नज़र से देखता है, हर व्यक्ति एक दूसरे को इस नज़र से देखता है कि यह व्यक्ति सामने वाले को छल से, कपट से हर लेगा, और प्रत्येक व्यक्ति इस डर से एक दूसरे से अनजान बना हुआ है, पहचानता नहीं है, भाईचारा खत्म हो गया है, तो इसलिए लोग एक दूसरे को सही परिचय यानी सही से पहचान ना पाने के कारण अनजान से महसूस करने लगे हैं। बुझ गई है इस लौ प्रथा की, प्रथा यानी इस धरती की जो लौ है वो बुझ गई है, यानी इस धरती से जो इंसानियत है
वो समाप्त हो गई है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के लिए मन में जहर रखता है, एक दूसरे को पहचान नहीं रहा है, और सही परिचय ना पहचान पाकर लोग एक दूसरे को अपना दुश्मन समझने लगे हैं, अनजान समझने लगे हैं। और इस वजह से यहाँ पर लॉ जो है इंसानियत के अर्थ में लें जो सकारात्मकता का परिचय देती है, लेकिन अब वो लॉ जो है इस धरती से ख़त्म हो गई है। इसीलिए कवि आह्वान करते हैं और निवेदन करते हैं कि संघर्ष करो और इस चीज़ के लिए आगे बढ़ो कि इस धरती की लौ जो है एकदम से ना बुझे और यहाँ पर भाईचारा जो है फिर से पनप सके, और इसको पनपाने के लिए इसको धरती को फिर से सींचना होगा और संघर्ष करना होगा। सींचना करना होगा यानी लोगों को आपस में एक दूसरे में विश्वास बनाना पड़ेगा, भाईचारा उत्पन्न करना पड़ेगा, लोगों के बुरे समय में उनका सहारा बनना पड़ेगा, और अगर कोई सहारा बनता है तो उसके सहारे को छीनने से उसको डरना चाहिए, और भाईचारे को इस धरती पर फिर से लाना चाहिए और इसको सींचने के लिए व्यक्ति को संघर्ष करना चाहिए। एक बार फिर से कविता को दोहरा लेते हैं। कवि जो है अपनी वेदनाओं को कम करने के लिए गीत गाना चाहता है और उसने अपने जीवन में जितनी भी वेदनाएं सही हैं, पीड़ा सही हैं, उससे उबरने के लिए वो गीत गाना चाहता है, और इसलिए वो कहते हैं कि मुझे गीत गाने दो अपनी वेदनाओं को रोकने को, क्योंकि उसने जीवन भर राह चलते हुए चोट खाई है, यानी जीवन में कई परेशानियां सही हैं जिससे उनके होश भी छूट गए हैं। हाथ उनके जो सबसे बड़े सहारा थे, जो भी उनके आपसी संबंधी जो हैं उनके सहारा बने हुए थे बुरे समय में, उनको भी ठग ठाकुरों ने, समाज ने उसी तरीके से लूट लिया जिस तरीके से श्रमिक वर्ग को जमींदार वर्ग लूटा रहा करता है। कंठ रुक रहा है, आ रहा है काल, देखो ऐसे परिस्थितियों का सामना करते हुए ऐसा लगता है मेरा काल आ गया है, मेरी मृत्यु का समय नज़दीक आ गया है, और इस भय से मेरा कंठ जो है वो रुक रहा है, मेरी सांसें रुक रही हैं, भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर, अब ये संसार भी जो है हार चुका है, क्योंकि इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के मन में एक दूसरे के प्रति जहर का भाव रखने लगा है। लोग जो हैं एक दूसरे को पहचानते नहीं, अनजान भाव से देखते हैं, क्योंकि उनको उनका सही परिचय नहीं मिलता। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को भय की नज़र से देखता है, उसके मन में शंका है कि सामने वाला व्यक्ति जो है छल कपट करके उसको धोखा दे जाएगा। बुझ गई है इस लॉ प्रथा की, इस प्रथा की, इस धरती की रोशनी जो है वो ख़त्म सी नज़र आ रही है, बुझ सी गई है, और इस लॉ को फिर से प्रज्वलित करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा और इस धरती को सींचना पड़ेगा। लॉ जहाँ पर हम इसका अर्थ ले सकते हैं कि इस धरती से इंसानियत ख़त्म हो गई है, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को ठगना चाहता है, छलना चाहता है, कपट करना चाहता है, और उसके बुरे समय में उससे दूर हो जाना चाहता है, और जो कोई उसका सहारा भी बनता है उससे उसको दूर कर देना चाहता है। तो इस तरीके से कवि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे संदेश के साथ ये बताना चाहते हैं कि अपनी वेदनाओं को, अपनी पीड़ाओं को गीत गाकर दूर करें और जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें।